दोस्तों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2023 देने जा रहे हो तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 की कॉपी कैसे चेक होगी। क्या आप सभी की कॉपी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक होगी या आप सभी को अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो भी है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो ये वीडियो आप सभी बोर्ड छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, जो भी टीचर आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करता है वो आपके स्कूल के टीचर नहीं होते हैं दोस्तों। वो बोर्ड के द्वारा कोई स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं जिसे बोर्ड स्पेशली बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करने के लिए ही चुनता है। और जो टीचर जिस सब्जेक्ट का होता है वो उसी सब्जेक्ट की कॉपी चेक करता है। जैसे मैथ का टीचर है तो वो मैथ की कॉपी चेक करेगा, वो साइंस की कॉपी नहीं चेक कर सकता। और साइंस का टीचर सिर्फ साइंस की कॉपी चेक करता है दोस्तों, वो इंग्लिश की कॉपी नहीं चेक कर सकता। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि आपके स्कूल का टीचर आपकी बोर्ड की कॉपी चेक करने वाला नहीं है। आपको आपके बोर्ड की कॉपी बोर्ड द्वारा स्पेशलिस्ट टीचर होंगे, वही आपकी कॉपी चेक करेगा दोस्तों। और बोर्ड उन्हें पहले ही बता देता है कि आपको कॉपी किस तरह से चेक करनी है, क्या आपको स्ट्रिक्टली चेक करनी है या आपको अच्छे मार्क्स देने। ये बोर्ड पहले अपने टीचर्स को इंस्ट्रक्ट दे देता है और टीचर उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी को चेक करता है। अब बात करते हैं कि इस बार आपकी कॉपी कैसे चेक होगी। तो देखिए, एक बात आप ध्यान में रखना कि चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो दोस्तों, कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहता कि उसका रिजल्ट खराब आए, उसके मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाए। कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहता दोस्तों, हर बोर्ड यही चाहता है कि उसके रिजल्ट अच्छा आए, उसके अधिकतर बच्चे फर्स्ट डिविजन लाए, अधिकतर बच्चे अच्छा परसेंटेज लाए। तो हर बोर्ड ना अपने टीचर को पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आपको ना कॉपी इस तरह से चेक करनी है जिसमें मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट डिवीजन है। अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी आंसर अच्छे से लिखा है, थोड़ा सा भी अगर उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो आप उसको अच्छे मार्क्स दो। अब जरा सोचिए दोस्तों कि आप क्वेश्चन ही छोड़ करके आ जाओगे तो वहां पे टीचर तो मजबूर है, बेबस है, वहां पे तो आपको जीरो मार्क्स देगा ही देगा। तो इसलिए दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों, दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ना है, और दूसरी चीज आप जो भी आंसर लिखो दोस्तों वो अच्छी हैंडराइटिंग में होनी चाहिए। अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब नहीं है कि बहुत अच्छी हैंडराइटिंग, बस आपको कट क्रॉस नहीं करना है, जो आप लिख रहे हो सामने वाले को समझ में आना चाहिए दोस्तों। अगर आप इतना कर दोगे ना दोस्तों तो देखना आपको निश्चित ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि मैं बेवजह फिजूल में उसके मार्क्स काटूं बच्चों के, क्योंकि बोर्ड को ऊपर से ऑर्डर होता है कि आपको अधिकतर बच्चों को फर्स्ट डिवीजन करना है। और क्यों करना है, क्योंकि कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहता कि उसका रिजल्ट खराब आए। तो अगर आप कोई भी आंसर अच्छे से लिखोगे, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे दोस्तों, तो आपको निश्चित ही वहां पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और हर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसमें अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। तो दोस्तों ये थी बोर्ड परीक्षा 2023 के कॉपी संबंधित पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।